हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टेनो मास्टर में स्वागत है। आइए 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी डिक्टेशन करते हैं। यह अखबार से ली हुई डिक्टेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 रेडी। आज कोरोना संक्रमण के आंकड़े जितनी चिंता पैदा कर रहे हैं उससे कहीं बड़ी चुनौती भी दर्शा रहे हैं, जो भारत 2 महीने पहले कोरोना संक्रमण के दुनिया में 40वें स्थान पर भी नहीं था, वह 9वें स्थान पर पहुंच गया है। तो हमें न केवल पीछे बल्कि आगे की ओर ज़्यादा मुस्तैदी व चौकसी से देख लेना चाहिए। कहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसका आकलन हमारी निगाहों में आने से छूट गया। ऐसी कौन सी रियायत, कौन सी मजबूरी थी जिसने हमें संक्रमण की ओर बढ़ाया? और अब तो यह सवाल सताने लगा है कि विशाल आबादी वाला भारत जब 9वें स्थान पर पहुंच गया है तो कोरोना की यात्रा का समापन कहाँ होगा? अभी और कितने दुख लिखे हैं और अभी खुशी कितनी दूर है। एक दिन में रिकॉर्ड 7,466 मामले का सामने आना हमें चौंका रहा है। तो हमें अपने आप से कुछ सवाल करने पड़ेंगे। क्या हम में से प्रत्येक की कोई ना कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो लोग सुरक्षित हैं वे कब तक और किस हद तक सुरक्षित रह पाएंगे? आपदा के समय क्या ऐसे कटु सवाल स्वाभाविक नहीं हैं? सवालों से हमें डरना कतई नहीं है, हमें तो जवाब खोजना है और समाधान में अपनी हिस्सेदारी निभानी है। कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग से खिलवाड़ हो रहा है। यह बाजारों के खुलने के कारण हुआ है या यात्राओं को मिली मंजूरी के कारण, हमें देखना होगा कि संक्रमण को हम थामने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर और ऐसी जगहों पर पूरी कड़ाई बरतने की ज़रूरत है जहां लोगों का परस्पर संपर्क हो रहा है, जहां लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों की अवहेलना कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का महत्व नहीं समझ पाए हैं? हमसे ज़्यादा आबादी वाला एकमात्र देश चीन अगर कोरोना को थामने में कामयाब रहा
तो इसका श्रेय सीधे उसके द्वारा बरती गई कड़ाई को जाता है। वुहान में इतनी कड़ाई बरती गई कि लोग मरीज और डॉक्टर भी बिलखते हुए देखे गए। लेकिन आज उसी वुहान में लोगों की तपस्या का फल है, वे खुले घूम रहे हैं। वहाँ कहीं लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं रही। संभव है यह सवाल आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि भारत में क्या लॉकडाउन को जनता कर्फ्यू बताकर उदारता बरती गई थी। आज यह उदारता अगर हमें 5,000 लोगों की मौत तक घसीट लाई है तो यह कितने काम की है। इसे एक बार ईमानदारी से परख लेने में कोई हर्ज नहीं है। बार बार सरकार अपील कर रही है, रेलवे ने फिर अपील की है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग यात्रा करें। क्या लोग मान लेंगे? तमाम भीड़ होने वाली जगहों पर पूरी कड़ाई की ज़रूरत बढ़ गई है। जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वहीं उसे ज़रूरतमंद लोगों के प्रति पूरी ममता भी बरतनी चाहिए। भूखे और भयभीत लोगों की भगदड़ से देश को बचाना प्रशासन का काम है। योजनाओं, पैकेज, अनाज और पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उसे निचले स्तर पर लोगों तक पहुंचाकर ही हम अनाज समाज की सुरक्षा और स्थिरता बहाल कर पाएंगे। धन्यवाद।